सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने एक दूसरे से कब विवाह किया था, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए बताता हूँ। दुर्वासा मुनि स्वर्ग मार्ग से वैकुंठ से कैलाश जा रहे थे। रास्ते में वो इंद्र से उन्हें आशीर्वाद दिया और एक पारिजात फूल की माला भेंट करने का दुर्लभ सम्मान किया, जिसे विष्णु ने मुनि को भेंट किया। इंद्र ने अहंकारवश इंद्र के हाथी वाहक मतलब ऐरावत के गले में वो माला डाल दी। क्रुद्ध मुनि ने महसूस किया कि इंद्र का ये अपवित्र और अपरिवर्तनीय कार्य न केवल उनके प्रति अनादर का संकेत था, बल्कि भगवान विष्णु के लिए अक्षम्य पवित्रता का कार्य भी किया था। इसलिए उन्होंने इंद्र को ये कहते हुए श्राप दिया कि नारायण द्वारा दुर्वासा को पुरस्कृत किया गया एक अमूल्य उपहार इंद्र को दिया गया था और इंद्र को विचार से बाहर कर दिया गया था, जिन्होंने इसके निहित मूल्य को नज़रअंदाज कर दिया था। इसलिए लक्ष्मी का मूल कारण जो समृद्धि का रूप था, स्वर्ग का त्याग कर देना चाहिए था। जब वो समुद्र मंथन से फिर से प्रकट होती है तो वह एक उपयुक्त पति खोजने के लिए सभी देवताओं, गंधर्वों और असुरों की जांच करती है, लेकिन वह पाती है कि इन सभी में किसी न किसी गुण का अभाव है। भाग्य की देवी सवाद की जांच करते हुए इस तरह से सोचना, जिसने बड़ी तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। किसी के पास ज्ञान है लेकिन उसने भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं की। कोई बहुत महान व्यक्तित्व है लेकिन वह वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। एक महान व्यक्तित्व भी किसी और चीज पर निर्भर करता है तो फिर वह सर्वोच्च नियंत्रक कैसे हो सकता है? किसी को धर्म का पूरा ज्ञान हो सकता है लेकिन फिर भी वह सभी जीवों के प्रति दयालु नहीं हो सकता। किसी में चाहे मनुष्य हो या देवता त्याग हो सकता है लेकिन वह मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। किसी के पास महान शक्ति हो सकती है फिर भी वह अनंत काल की शक्ति की जांच करने में असमर्थ हो सकता है। हो सकता है कि किसी और ने भौतिक संसार से लगाव को त्याग दिया हो फिर भी वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। किसी की आयु लंबी हो सकती है लेकिन शुभता या अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। किसी के पास शुभ और अच्छा व्यवहार दोनों हो सकते हैं लेकिन उसके जीवन की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि भगवान शिव जैसे देवताओं को अनंत जीवन प्राप्त है लेकिन उनके पास शमशान में रहने जैसी कुछ अशुभ आदतें भी हैं और भले ही अन्य प्रकार के से योग्य हों, वो परम पुरुषोत्तम भगवान के भक्त नहीं है। सभी को अस्वीकार करने के बाद वह भगवान विष्णु को सभी आवश्यक गुणों के साथ सबसे उपयुक्त व्यक्ति के रूप में पाती है और इसलिए उन सबसे वांछनीय है। वो भगवान विष्णु के पास जाती है और उन्हें माला पहनाती है। इस प्रकार पुनः विचार विमर्श के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यद्यपि वह स्वतंत्र है और उसकी कमी नहीं है, उनके पास सभी दिव्य गुण और रहस्य वाली शक्तियां भी हैं और इसलिए वह सबसे वांछनीय पति भी है। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और अद्भुत स्टोरी डाली जाए जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। हम भी अपने कार्य में निरंतर अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि आपके सामने ऐसी वीडियो लाएं जो YouTube पर अब तक किसी ने नहीं डाली है। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पुरानी कथा के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें और निरंतर सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करते रहें। बाय बाय भक्तजन।